गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। सो स्ट्रक्चर एनालिसिस सेकंड में जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था वो था हमारा अनसिमेट्रिकल एलिमेंट्स के अंदर बेंडिंग को लेके, बेंडिंग इन अनसिमेट्रिकल एक्सिस एलिमेंट्स, जिसके अंदर हमने स्ट्रेसेस देखे, न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन देखी, उसके अलावा हमने उसके अंदर डिफ्लेक्शन देखा और शियर सेंटर देखा। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट है, नई यूनिट का, जिसका नाम है अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ लेटरल फोर्सेस। हम लेटरल फोर्सेस का अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करते क्यों हैं, पहली चीज तो ये आती है। तो हम क्यों करते हैं, इसका फर्स्ट रीजन है कि रैपिड चेक ऑन कंप्यूटर एडेड डिजाइन एनालिसिस। फर्स्ट रीजन है इसका रैपिड चेक ऑन, रैपिड चेक ऑन कंप्यूटर एडेड एनालिसिस, ऑन कंप्यूटर एडेड एनालिसिस क्यों करते हैं हम, क्योंकि इसमें क्या है, फटाफट से हम चेक कर सकते हैं कंप्यूटर एडेड एनालिसिस में कि हमें क्या हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, किस तरीके से बेंडिंग डायग्राम वगैरह हमें मिलेंगे। दूसरा एडवांटेज है प्रीलिमिनरी डाइमेंशनिंग बिफोर एग्जैक्ट एनालिसिस। प्रीलिमिनरी प्रीलिमिनरी डाइमेंशनिंग बिफोर डाइमेंशनिंग बिफोर एग्जैक्ट, बिफोर एग्जैक्ट, बिफोर एग्जैक्ट एनालिसिस, ये हमारा दूसरा एडवांटेज है कि हमें पहले से ही क्या डाइमेंशनिंग जो भी है वो सब मिल जाती है एनालिसिस करने से पहले। उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, एडवांटेज क्या है इसके, तो एडवांटेज में है मेन हमारा कि एक तो फास्टर है ये प्रोसेस, क्या है, फास्टर प्रोसेस है, और दूसरी क्या है, इजियर है, फास्टर है और सॉरी EASIER इजी है। एक तो ये प्रोसेस कैसी है, फास्टर है और एक इजी है। अब एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस अप्रोक्सीमेट एनालिसिस फॉर लेटरल फोर्स, तो डिसएडवांटेज है कि रिजल्ट्स आर अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेट नहीं, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स आर रिजल्ट कैसे मिलते हैं इसके सारे, अप्रोक्सीमेट मतलब लमसम वैल्यू मिलती है। आप ये नहीं कह सकते कि जो भी हमने कैलकुलेशन की है वो कैसी है अप्रोक्सीमेट, और ये नाम से ही दिख रहा है, टॉपिक के नाम से ही, कि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का क्या मतलब है कि अप्रोक्सीमेट ही क्या मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। अप्रोक्सीमेट मेथड्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर मल्टी स्टोरे फ्रेम्स टॉलर देन 3 स्टोरे। अब यूजफुल, यूजफुल किसके लिए हैं, मल्टी स्टोरे फ्रेम स्ट्रक्चर, मल्टी स्टोरी फ्रेम स्ट्रक्चर्स हैविंग 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 ग्रेटर देन 3 स्टोरी, हैविंग ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 3 स्टोरी।
जो यूजफुल कहाँ पर होता है ये मेथड, ये वहां पर यूजफुल होता है जहां पर आपकी जो बिल्डिंग है, फ्रेम स्ट्रक्चर है, मल्टी स्टोरी फ्रेम स्ट्रक्चर, वो 3 स्टोरी या उससे ज्यादा हो, तो वहां पर ये क्या है, एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर 3 टाइप के मेथड हम यूज लेते हैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस फॉर लेटरल लोड्स में। 3 मेथड चलते हैं हमारे, पहले को बोलते हैं हम पोर्टल मेथड, दूसरा हमारा होता है कैंटिलीवर मेथड, और तीसरा हमारा होता है फैक्टर मेथड। कितने मेथड यूज करते हैं? 3 मेथड। वी आर यूजिंग 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एनालिसिस फॉर लेटरल लोड्स, एंड दीज आर द फर्स्ट इज पोर्टल मेथड। फर्स्ट इज पोर्टल मेथड, सेकंड इज कैंटिलीवर मेथड। कैंटिलीवर मेथड एंड द थर्ड इज फैक्टर मेथड। सो दीज आर द मेथड्स यूज टू एनालिसिस अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर फॉर लेटरल लोड्स। अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक मेथड की, कि क्या होता है पोर्टल मेथड, क्या होता है कैंटिलीवर मेथड, और क्या होता है हमारा फैक्टर मेथड। एग्जाम्पल भी देखेंगे हम कि पोर्टल मेथड है तो हमें किस तरीके से प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर फेस करनी पड़ सकती है और क्या उसका सॉल्यूशन होगा, हम उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड की, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, पोर्टल मेथड। बाकी इन दो को रफ कर देते हैं, एक को रहने दें पोर्टल मेथड। पोर्टल मेथड में अजम्पशंस क्या हैं पहले उसकी बात करते हैं। पोर्टल मेथड में अजम्पशंस क्या हैं? तो फर्स्ट अजम्पशन इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन ऑल द मेंबर्स, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन ऑल द मेंबर्स, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन ऑल द मेंबर्स लाई एट दियर मिड पॉइंट, लाई एट दियर लाई एट दियर मिड पॉइंट्स। अब देखिए यहां पर बात है समझने की कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को हम डिफाइन कर सकते हैं जहां पर कोई भी एलिमेंट या मेंबर अपनी शेप चेंज करता है, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। मान के चलिए इस तरीके से मैं कोई एक फिक्स बीम ले लेता हूं, दोनों तरफ से फिक्स है, यहां पर मैंने लोड लगाया डब्लू का, तो अब ये जो डिफ्लेक्ट होगा वो किस तरीके से होगा? वो डिफ्लेक्शन होगा कुछ यहां से ऐसे, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। तो ये और ये पॉइंट, ये इसको नाम दे देता हूं मैं सी डैश, और इसको नाम दे देता हूं सी, और इसको ए, और इसको बी। तो ये सी और सी डैश पॉइंट है, ये दोनों शो करेंगे किसको? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को, मतलब जहां से बेंडिंग आना स्टार्ट हुआ है, डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हुआ है, सॉरी बेंडिंग नहीं, जिस पॉइंट से डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हुआ है, जहां से अपनी शेप चेंज करनी शुरू की है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट कि किसी भी मेंबर के, अगर मान लो हम कोई भी फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड फिक्स बीम है, सिंपली सपोर्टेड नहीं फिक्स बीम है, ये हमारा फ्रेम है। ठीक है, अब इस फ्रेम के अंदर जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर्स होंगे,
वो इन द मेंबर एट दियर मिड पॉइंट, एक यहां पर होगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां, 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 और यहां, यहां, और यहां, इस तरीके से ये क्या होंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होंगे। ये अजम्पशन है, दीज आर द अजम्पशंस। और आपने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी होंगी, उन सब के अंदर आप कोई ना कोई अजम्पशंस लेके चलते हो, तो अप्रोक्सीमेट मेथड का ये अजम्पशंस है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा वो कहां पर होगा, बीच में, सेंटर में लाई करेगा। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, दूसरा अजम्पशन क्या है, तो दूसरा अजम्पशन है हमारा कि हॉरिजॉन्टल शियर टेकन बाय ईच, हॉरिजॉन्टल शियर टेकन बाय, हॉरिजॉन्टल शियर टेकन बाय ईच इंटीरियर कॉलम, ईच इंटीरियर कॉलम, इंटीरियर कॉलम इज डबल दैट टेकन बाय, इज डबल दैट टेकन बाय, इज डबल दैट टेकन बाय ईच एक्सटीरियर कॉलम, बाय ईच एक्सटीरियर कॉलम। अब समझिए इसका मतलब क्या है, ये लाइन क्या कह रही है, पहले इस लाइन को एक बार वापस से पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल शियर, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कारण जो शियर रजिस्ट करेगा उस फ्रेम स्ट्रक्चर में, वो ईच इंटीरियर कॉलम पर, मतलब जितने भी अंदर के कॉलम होंगे उस फ्रेम स्ट्रक्चर के, वो तो डबल शियर रजिस्ट करेंगे, लेकिन जो एक्सटीरियर कॉलम होंगे वो उसका हाफ करेंगे। अगर एक्सटीरियर कॉलम वन कर रहा है तो इंटीरियर कॉलम कितना करेगा, डबल करेगा। कैसे, देख के चलिए। यहां पर मैं ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है, ये बना दिया मैंने फ्रेम, एक यहां पर है, एक यहां पर, और एक यहां पर, ये मेरे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर मैं मान के चलिए पी फोर्स लग रहा है, पी लेटरल फोर्स लग रहा है, अब आप इसको चाहे विंड फोर्स मानिए, चाहे सिस्मिक फोर्स मानिए, एक पी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है फ्रेम स्ट्रक्चर के ऊपर। अब ये क्या कहना चाहता है कि अगर ये कॉर्नर के जो कॉलम है, एक्सटीरियर कॉलम है, ये अगर इस पी फोर्स को इस तरीके से पी और पी रेजिस्ट करते हैं शियरिंग में, तो ये जो बीच वाला कॉलम है ये कितना रेजिस्ट करेगा, 2P रेजिस्ट करेगा, कितना रेजिस्ट करेगा, 2P, ठीक है। ये है इस सेंटेंस का मतलब कि जो इंटीरियर कॉलम है वो डबल शियर रेजिस्ट करता है किसके, एक्सटीरियर कॉलम की कंपेयर में। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, ये हमारे दो अजम्पशन हो गए, अब चलते हैं तीसरे अजम्पशंस की तरफ। तीसरा अजम्पशन है हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर एज्यूम्ड, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर एज्यूम्ड टू एक्ट ओनली एट, टू एक्ट, टू एक्ट ओनली, टू एक्ट ओनली एट द जॉइंट्स, मतलब जितने भी जॉइंट्स होंगे ना उस फ्रेम स्ट्रक्चर में, केवल वहीं पर हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना वो एक्ट करेगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। कोई भी विंड या सिस्मिक फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, तो वो जहां जहां पर जॉइंट होंगे केवल उन्हीं पर ही एक्ट करेगा, बाकी कहीं पर भी हम उसे नेग्लेक्ट मानेंगे कि अदर पॉइंट्स पर वो क्या है, नेग्लेक्टेड है। तो ये थे हमारे अजम्पशंस पोर्टल मेथड के। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस मेथड जो है हमारे
एनालिसिस फॉर लेटरल फोर्स के लिए वो हम क्यों यूज करते हैं, वाई अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। सेकंड हमने देखा एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या थी, इजी है और टाइम भी बचता है, जल्दी हो जाता है, फास्टर है। डिसएडवांटेज क्या है कि रिजल्ट्स आर ऑलवेज अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स गिव देता है ये, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि कितनी तरीके के मेथड हैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के, तीन तरीके के, पोर्टल मेथड, कैंटिलीवर मेथड और फैक्टर मेथड, जिसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं पोर्टल मेथड। और पोर्टल मेथड के हमने ये अजम्पशंस माने हैं, तीन अजम्पशंस जो पोर्टल मेथड में हमें कंसीडर करने हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि पोर्टल मेथड में किस तरीके से हम जॉइंट लगाते हैं, कितनी रिएक्शन आएंगी, कहाँ कहाँ पर कितनी आएंगी, किस तरीके से सेक्शन में कट करते हैं, और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।